गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों आपका अपने यूट्यूब चैनल में। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली मैं आप ही के लिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो इन दैट कंटेस्ट हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इट इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी ऑफ क्लास 12। तो हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़े थे जैसे कि पाचुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी, बहुत सारे टर्म्स हमने पढ़े थे जैसे कि गेस्टेशन। तो उसी कंटेस्ट में आगे बढ़ाते हुए जो दो तीन टर्म्स जो एनसीईआरटी में पार्टिकुलरली नहीं दिए हुए हैं लेकिन एम्स और जिपमर में ये आस्क किए जाते हैं, तो इन सारे टर्म्स को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे एक टर्म है कैपेसिटेशन, CAPACITATION, कैपेसिटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेशन, तो सुनिएगा ध्यान से। जब हम पढ़ेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसमें अपर पार्ट जो होगा वो होगा हेड, देन देयर विल बी नेक रीजन, देन देयर विल बी व्हाट इज दिस मिडिल पीस, ओके मिडिल पीस, और इसी मिडिल पीस में बेसिकली क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, नो डाउट। और ये जो होगी एक टेल होती है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है किस चीज का, स्पर्म का, नो डाउट इसको हम डिटेल में करेंगे। लेकिन कैपेसिटेशन एक टर्म पूछ लिया जाता है, इसका मतलब क्या होता है सुनिएगा। जो ये हेड रीजन है यहां इसके जस्ट नीचे कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स जो होते हैं बेसिकली जाके कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं किसके साथ में, आपके एग के साथ में, जब ये जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है बेटा कि यहां पे ऊपर भी एक लेयर है, ठीक है। तो इसका मतलब जब तक वो लेयर होगी तब तक ये रिसेप्टर्स एक्सपोज नहीं होंगे। तो सुनिएगा, जैसे ही स्पर्म, क्या कह रहा हूं मैं, जैसे ही स्पर्म एंट्री मारता है इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक, यानी कि अगर बात करें वेजाइना से होते हुए जाता है यूटरस के पास में, तो जैसे ही स्पर्म एंटर करता है इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक, किसमें एंटर करेगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, जैसे ही वहां पे एंट्री मारता है तो यूट्रस से कुछ इंजाइम निकलती हैं, कुछ इंजाइम, जैसे अगर बोले एक इंजाइम है इंपॉर्टेंट इंजाइम, दैट इज हिपेरिन इंजाइम, जो आपका कहां से लिबरेट होगा, यूटरस से, ध्यान रखिएगा यूटरस से लिबरेट होता है। और ये किसके ऊपर काम करेगा, इस स्पर्म के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, यानी ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो हेपरिन इंजाइम होती है ना, ये क्या करती है, ये हेपरिन इंजाइम जो होती है हेड का ऊपर वाला लेयर आपको दिख रहा है, इसकी आउटर कवरिंग को, ध्यान रखिएगा आउटर कवरिंग ऑफ द हेड रीजन इज डिसोसिएटेड, और सिंपली कहेंगे उसको डाइजेस्ट कर देती है ताकि जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या हो जाएं, एक्सपोज हो जाएं। क्या हो जाएं, रिसेप्टर्स अब क्या हो गए, एक्सपोज हो गए, किसकी मदद से, आपके हेपरिन की मदद से जो कि यूट्रस से निकल रहा है। तो अगर एक पॉइंट और सिंपल डेफिनेशन दिया होता है अबाउट द कैपेसिटेशन, दिस मींस कि बेटा अब मान लीजिए जब तक वो ऊपर वाली लेयर रहती तब तक वो जाके कंबाइन नहीं होता, यानी फंक्शनल नहीं था, लेकिन जब रिसेप्टर्स एक्सपोज हो जाएंगे ये आसानी से जाके किसके साथ में, एग या ओवा के साथ में रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबिलिटी यहां पे नहीं थी। तो भैया इसी को बोला जाता है कि अब जो जाके ये जो स्पर्म है क्या हुआ है, फंक्शनल, क्या हुआ है, फंक्शनल। तो डेफिनेशन है कि फंक्शनल मैच्यूरेशन होगा, क्या कहेंगे,
फंक्शनल मैच्यूरेशन होता है स्पर्म का। फंक्शनल मैच्यूरेशन का मतलब कि जो रिसेप्टर्स मौजूद है लेयर के अंदर हेड के, वो एक्सपोज हो जाए ताकि वो आसानी से कंबाइन हो जाए किसके साथ में, एक के साथ में। तो ये बताइए फंक्शनल मैच्यूरेशन हो कहां रहा है, फीमेल यूट्रस के आसपास में यानी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में। तो इसी को एक बेसिक डेफिनेशन दे रही है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटेशन, दैट द फंक्शनल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन केस ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम, फॉर एग्जांपल हेपरिन, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। यानी जहां पे स्पर्म पूरी तरह से फंक्शनल हो जाता है, फंक्शनली मैच्योर हो जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है कैपेसिटेशन। तो लिख लीजिएगा डेफिनेशन, फंक्शनल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म, और ये होगा कहां भैया, इन फीमेल, मेल में नहीं होगा, कहां होगा, जब मेल में से स्पर्म इजेकुलेट होगा इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तब जाके वो ये रिसेप्टर्स एक्सपोज होंगे बाय द हेल्प ऑफ हेपरिन जो कि यूट्रस से निकल रहा है, तब जाके ये फंक्शनली क्या होता है, मैच्योर होता है। तो फंक्शनल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट बाय हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज नोन एज हेपरिन दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द, कहां से, आपके यूट्रस से, कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। तो लर्न कर लीजिएगा कि फंक्शनल मैच्यूरेशन स्पर्म का होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज नोन एज हेपरिन दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। जहां पे फंक्शनली स्पर्म मैच्योर है, तैयार है क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, उस प्रोसेस को बोला जाता है कैपेसिटेशन। नोट डाउन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टर्म व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ये भी कभी कभार एम्स और जिपमर में पूछ दिया जाता है, सेकंड दैट इज फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। क्या बोलते हैं इसको, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया, ये भी टर्म पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ फॉलिकल्स, ध्यान से जब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। बेसिकली अगर बात करेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स पढ़ेंगे तो जनरली अगर बच्चा जन्म लेता है यानी डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल का, किसी भी इम्ब्रियो, फीमेल इम्ब्रियो डेवलप हो रही है, तो नियर अबाउट 17,000 ऊगोनिया प्रोड्यूस हो जाते हैं विद इन वन मंथ, लेकिन दो मंथ में 7 मिलियन। इस तरह से हम एक चार्ट बनाएंगे, लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि जब बर्थ होती है तो उस समय एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के आसपास में नियर अबाउट 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं फीमेल में। किसकी बात कर रहा हूं, फीमेल में। सो बर्थ के समय में नियर अबाउट 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं ईच ओवरी में, कितने, हर ओवरी में। यानी अगर बोलेंगे कि दो ओवरी है तो टोटल प्राइमरी फॉलिकल्स कितने हो जाएंगे, 4 मिलियन, ध्यान रखिएगा। सो 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ इन केस ऑफ फीमेल। लेकिन यही जब प्यूबर्टी तक जाते जाते बात आती है तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स डिक्रीज होके केवल 60,000 से 60K to 80K, 60K to 80K, के सिंपली मीन्स 1000, यानी 60,000 से 80,000 के बीच में रह जाती है विथ इन ईच ओवरी। यानी एक ओवरी में कितने प्राइमरी फॉलिकल्स बच के रह जाते हैं, लगभग 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स ही बचते हैं विद इन ईच ओवरी। तो दोनों ओवरी में अगर पूछे कि प्यूबर्टी के समय में कितने प्राइमरी फॉलिकल्स बचेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, नियर अबाउट
1,20,000 से लेके 1,60,000 के आसपास प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। तो यहां अब अगर आप देखोगे ध्यान से, बर्थ के समय में इतना है, प्यूबर्टी के समय में इतना है, तो फॉलिकल्स डिक्रीज कर रहे हैं या इंक्रीज कर रहे हैं? ऑब्वियसली डिक्रीज कर रहे हैं। और यही प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं ये डेवलप करते हैं और डेवलप करके एक बनाते हैं। सो इतने सारे एग्स में से या प्राइमरी फॉलिकल्स में से, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी फॉलिकल ही डेवलप होके किसमें कन्वर्ट होते हैं? एग में। तो इनमें से मात्र 400 से लेके 500 फॉलिक्यूलर सेल्स ही कन्वर्ट हो पाती हैं किसमें? एग्स में। ध्यान दीजिएगा, इनमें से भी 400 से 500 ही फॉलिकुलर सेल्स कन्वर्ट होता हो पाती है किसमें? एग्स में। बेसिकली अगर देखें तो फॉलिकल्स कन्वर्ट करता है या फॉलिकल्स फॉर्म करता है एग या ओवा को। लेकिन जब हम देखें फ्रॉम बर्थ से लेके प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद भी देख रहे हैं, तो जनरली इतने थे, लेकिन केवल 400 से 500 फॉलिकल ही कन्वर्ट होता है किसमें? एग में, जो कि बर्थ के समय में इतने सारे थे। तो सिंपली फॉलिकुलर एट्रेसिया का मतलब होता है कि भैया नंबर ऑफ फॉलिकल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो जैसे जैसे आगे लाइफ बढ़ती है फीमेल की, जो फॉलिकुलर सेल्स होती है उनकी पॉपुलेशन काफी घट जाती है, और इनमें से इतने सारे में से केवल 400-500 ही फॉलिकुलर सेल्स कन्वर्ट करती है और वो एग फॉर्मेशन करती है। सो जो डिक्रीजमेंट है फॉलिकुलर सेल्स का, इसी को बोला जाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया। ओके, सो इसको भी लिखेंगे डेफिनेशन, दैट एट द टाइम ऑफ बर्थ फीमेल हैव अ लॉट ऑफ फॉलिकल्स Which, और यही फॉलिकल्स क्या बनाते हैं? Which may form egg, but out of these follicles only 400 to 500 follicles और फॉलिकुलर सेल्स फॉर्म एग। सो देर इज डिस्ट्रक्शन, क्या हो रहा है? कमी आ रही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स की मात्रा में कमी आ रही है, नोन एज फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। नोट डाउन कर लीजिएगा, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया का सिंपल सा मतलब होता है कि भैया नंबर ऑफ फॉलिकल्स का डिक्रीज होना इन केस ऑफ फीमेल, दैट इज नोन एज द फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। नोट डाउन करें, क्योंकि बर्थ के समय में लगभग 2 मिलियन है, प्यूबर्टी के समय में 60 से 80 हजार, लेकिन इनमें से भी केवल 400 से 500 ही फॉलिक्यूलर सेल्स एक बना पाती है, यानी नंबर ऑफ फॉलिकल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग और डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फॉलिकुलर एट्रेसिया। नोट डाउन करेंगे आप लोग। ओके, समझ में आया? नाउ द नेक्स्ट टर्म विच वी हैव टू डिस्कस, दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टोर्काइडिज्म। देखिएगा ध्यान से, क्रिप्टोर्काइडिज्म। सो ये जो क्रिप्टोर्काइडिज्म है, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा,
जैसे अगर बात करें तो ये ह्यूमन की एब्डोमिनल कैविटी है। कौन सी कैविटी है? एब्डोमिनल कैविटी, जहां पे एब्डोमेन होता है और इसी से जुड़ा होता है आपका, यहां पे दो कैनाल है जो कनेक्ट करती हैं आपका एब्डोमिनल कैविटी को टू द स्क्रोटम से। जो ये स्क्रोटम है इसी के अंदर में आपकी क्या पाई जाती है? टेस्टिस। क्या पाई जाएगी? टेस्टिस। सो एब्डोमिनल कैविटी अटैच टू द स्क्रोटम बाई अ कैनाल दैट इज नोन एज इनग्विनल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? इनग्विनल कैनाल। अब सुनिएगा बेसिक बात क्या होती है। जब इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये जो टेस्टिस होती है ना, ये डेवलप हो रही होती है किस वॉल में? एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन जब बच्चा पांचवें मंथ का हो जाता है तो ये टेस्टिस यहां से, मान लीजिए क्या है टेस्टिस, और ये टेस्टिस डिसेंड डाउन करके कहां आ जाती हैं? आपके स्क्रोटम में आ जाती हैं। कहां आ जाती हैं? स्क्रोटम में। जब बच्चा पांच मंथ का होता है या नियरली अगर आप देखोगे बर्थ के समय पे, तो बर्थ के समय पे टेस्टी कहां होती है? स्क्रोटम में होती है। लेकिन इनिशियली जब इम्ब्रियो डेवलप होता है तो उस समय कहां रहती है? एब्डोमिनल कैविटी में। सो बाय द प्रोसेस थ्रू विच, और सिंपली अगर बोले सो ये टेस्टिस जो है इनग्विनल कैनाल से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी से कहां आती है? स्क्रोटम में। कब? ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर सिंपली एट द टाइम ऑफ बर्थ भी आप कई बार पढ़ेंगे। तो ये जो कभी कभार क्या होता है, क्रिप्टोकैरिटिज्म इज ए टाइप ऑफ डिजीज। क्या बोलेंगे इसको? डिजीज। कभी कभार होता ये है कि ये टेस्टिस जब बच्चा जन्म ले लेता है तो भी टेस्टिस कहां रह जाती है? एब्डोमिनल कैविटी में रह जाती है, और वो अंदर यानी आपके स्क्रोटम में नहीं आ पाती है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है क्या? क्रिप्टोकैरिटिज्म। ओके, सो इट इज अ अगर देखेंगे सो सिंपली अगर बोले तो इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज, इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज इन विच टेस्टिस failed to descend down in scrotum, okay, called as cryptorchidism। नोट डाउन कर लीजिएगा कि यह एक प्रकार की डिजीज है जहां पे एक टेस्टिस, सिंपल ध्यान रखिएगा, एक टेस्टिस भी नहीं आ सकती है या दोनों भी नहीं आ सकती है। सो सिंपली अगर बोले क्रिप्टोकैरिटिज्म इज अ टाइप ऑफ डिजीज इन विच वन और बोथ द टेस्टिस डिसेंड डाउन, ऑब्वियसली होता क्या, डिसेंड डाउन करके आनी चाहिए स्क्रोटम में, लेकिन फेल्ड हो गई, वो कहां रह गई? एब्डोमिनल कैविटी में रह गई, और बच्चे का जन्म हो चुका है। तो इस प्रकार की डिजीज को बोला जाता है क्रिप्टोकैरिटिज्म। क्या बोलेंगे इसको? क्रिप्टोकैरिटिज्म। लिख लीजिएगा क्रिप्टोकैरिटिज्म, इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज इन विच टेस्टिस फेल टू डिसेंड डाउन, डिसेंड डाउन मतलब एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, क्योंकि यहां पे एक कैनाल सिस्टम है दैट इज नोन एज द इनग्विनल कैनाल दैट कनेक्ट करता है एब्डोमिनल कैविटी को टू द स्क्रोटम से। ओके, लेकिन कभी कभार ये टेस्टिस आपके कहां रह जाते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाते हैं, वो नीचे नहीं आ पाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है या इस डिजीज को बोला जाता है, पर्टिकुलरली एक डिजीज है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोकैरिटिज्म। नोट डाउन करेंगे क्रिप्टोकैरिटिज्म। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो कभी कभार पूछ लिया जाता है आपके एम्स में, ये पूछा हुआ था व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्कियोपेक्सी,
ऑर्कियोपेक्सी, यह टर्म पूछा गया था, व्हाट इज ऑर्कियोपेक्सी, तो सिंपली कुछ ज्यादा बड़ा टर्म नहीं है। देखिए, जब रह गया कहां पे भैया, टेस्टिस एब्डोमिनल में, एब्डोमिनल कैविटी में। अब ध्यान रखिएगा कि भैया जो टेम्परेचर चाहिए रिक्वायर्ड होता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, वो चाहिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम एज कंपेरिजन टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब बताइए, तो इसीलिए भैया टेस्टिस कहां होता है, स्क्रोटम में, क्योंकि वहां टेम्परेचर कम होता है। लेकिन अगर टेस्टिस कहां रह गया, आपके रह गया कहां पे, एब्डोमिनल कैविटी में, तो स्पर्म फॉर्मेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। तो भैया किया क्या जाता है, तो जिन बच्चों का या जिन बच्चों के अंदर में क्रिप्टोकाइडिज्म हो गई है, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसको सर्जरी की जाती है, और सर्जरी से क्या किया जाता है, जो आपका टेस्टिस रह गया है एब्डोमिनल कैविटी में, उसको ले आके कहां डाल दिया जाता है, स्क्रोटम के अंदर, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। सो इसी पूरे प्रोसेस को या ऑपरेशन को या सर्जिकल जो ये मैटर है, इसी चीज को बोला जाता है ऑर्कियोपेक्सी। क्या बोलेंगे? ऑर्कियोपेक्सी, दिस मीन्स व्हेन द अनडिसेंडेंट का मतलब है जो टेस्टिस कहां रह गया है, डिसेंड डाउन करके नीचे नहीं आया, एब्डोमेन में रह गया है। व्हेन द अनडिसेंडेड टेस्टिस आर ब्रॉट इनटू स्क्रोटम बाय सर्जिकल प्रोसेस, जब आप सर्जरी करके ला रहे हो, सर्जिकल प्रोसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड कॉल्ड एज, इसी को आप क्या बोलेंगे, ऑर्कियोपेक्सी। क्या बोलेंगे? ऑर्कियोपेक्सी। नोट डाउन करिएगा इस पॉइंट को, कि जब कभी भी टेस्टिस जो रह गया है एब्डोमिनल कैविटी में, उसको सर्जिकल के द्वारा आप ला रहे हो फिर से स्क्रोटम में, तो उसको बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस सर्जिकल ऑपरेशन को बोलते हैं आर्कियोपेक्सी। दिस वॉज द टर्म विच वॉज आस्क्ड इन एम्स। नाउ एक और टर्म है जो आपके पूछा गया था जिपमर में, व्हाट डू यू मीन बाय कैस्ट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कैस्ट्रेशन। तो सुनिएगा, बेसिक सी बात है, जैसे अगर मैं बोलूं मेल और फीमेल में से ज्यादा एग्रेसिव कौन होती है, ऑब्वियस सी बात है कभी कभार फीमेल एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन मेनली अगर देखोगे गुस्सा कौन करता है, पापा, तुम्हें समझ में नहीं आता है, कहां गए थे, कैसे, तो ये सारी चीजें तुरंत गुस्सा क्यों होता है। बेसिकली जो मेन होते हैं या फिर अगर बात करें जो बॉयज होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू द गर्ल्स, वही एंगर। सो दिस एंगर इज ड्यू टू द हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द बॉयज टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन। क्या बोला मैंने? तो भैया जो ह्यूमन बींग में अगर मेन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उनके अंदर में एंगर या फिर अगर बोले उनमें गुस्सा बहुत तेज आता है, एनर्जी आ जाती है, तुरंत मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये बेसिकली क्यों है, ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ अ हार्मोन दैट इज नोन एज द टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं उसको? टेस्टोस्टेरोन। ध्यान से सुनिएगा, टेस्टोस्टेरोन। तो भैया बेसिकली क्या किया जाता है इन द केस ऑफ, जब ऑक्स को, ऑक्स की बात करेंगे, देखा होगा आपने बाजार में कभी कभार दो ऑक्स आपस में भिड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर में एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उन दोनों के अंदर में क्या सीक्रेट हो रहा है ज्यादा अमाउंट में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि उनको एंगर प्रोवाइड कर रहा है, एग्रेसिव नेचर दे रहा है। तो भैया क्या किया जाता है, जब कभी भी देखा होगा बैलों को, ऑक्स को बुलॉक कार्ट की तरह और बुलॉक ऑक्स की तरह यूज किया जाता है, यानी घोड़े गाड़ी जिसमें बहुत सारा सामान लाद के, बैलगाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं,
बैलगाड़ी की तरह यूज किया जाता है, तो वो पहलू को आप देखोगे वो काफी शांत होते हैं, मार चाबुक चाबुक मारता रहता है मालिक और वो चलते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। वही अगर एक ऑक्स को मार दीजिए तो क्या होगा बेटा, उठा के पटक देगा। तो ऐसा क्या होता है कि वो इतने ओबीडियंट हो गए हैं? तो वही तो होता क्या है बेसिकली इन द केस, होता क्या है कि जो टेस्टिस हो जाती है उनको क्रश कर दिया जाता है। जब कभी भी ऑक्स को कन्वर्ट किया जाएगा बुलक कार्ट की तरह और बुलक ऑक्स की तरह, यानी सिंपली बैलगाड़ी वाले जो ऑक्स होंगे उनको कन्वर्ट करने से पहले उनकी टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है। और जब टेस्टिस को आप क्रश कर देंगे तो भैया टेस्टिस को जैसे ही आप क्रश करोगे, भैया टेस्टिस ही तो बना रही थी कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, और यही टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल था किस चीज के लिए भैया, एग्रेसिव नेचर के लिए। तो भैया जैसे ही आपने टेस्टिस को डिस्ट्रॉय किया, क्या किया, क्रश कर दिया, टेस्टोस्टेरोन सिग्रेशन बंद हो जाएगा, एग्रेसिव नेचर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एग्रेसिव नेचर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि क्रशिंग ऑफ टेस्टिस, क्या बोलेंगे इसको, क्रशिंग ऑफ टेस्टिस, क्रशिंग ऑफ टेस्टिस इन केस ऑफ इन बुल्स टू कन्वर्ट देम इनटू बुलॉक्स, सिंपली मींस वो बैल जो किस तरह यूज किया जाता है, बैलगाड़ी की तरह यूज किए जाएंगे। ओके, दिस मेक्स देम मोर ओबीडियंट, जैसे बोलेंगे खड़े हो जाओ बैठ जाओ वो उसी तरह से करते हैं, ड्यू टू फॉल इन लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखिएगा ड्यू टू लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो भैया जब कभी भी किसी भी ऑक्स को या बुल्स को कन्वर्ट करना होगा बुलॉक्स में, तो वहां पे उसकी टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है, और जब आप टेस्टिस को क्रश करेंगे तो टेस्टोस्टेरोन का सिग्रेशन कम हो जाएगा, और टेस्टोस्टेरोन का सिग्रेशन कम हो जाएगा तो एग्रेसिव नेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर सिंपल मैनर में बोले तो जैसे मान लीजिए टेस्टिस है, तो टेस्टिस क्या सिक्रेट करेगा, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो जितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एग्रेसिवनेस नेचर होगा। ओके, ये है। लेकिन अब आपने क्या किया, टेस्टिस को क्या कर दिया, क्रश कर दिया, फोड़ दिया, तो भैया टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है एग्रेसिव नेचर या एग्रेसिवनेस भी क्या हो जाएगी, किसी भी पार्टिकुलर बंदे की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को जहां पे आपने क्या किया, टेस्टिस को क्रश कर दिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज द कैस्ट्रेशन। नोट डाउन करेंगे, क्रशिंग ऑफ टेस्टिस इन बुल्स टू कन्वर्ट देम इनटू बुलॉक्स कॉल्ड एज कैस्ट्रेशन। बिल्कुल, टेस्टिस अगर नॉर्मल है तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा, एग्रेसिव नेचर ज्यादा होगा। लेकिन आपने टेस्टिस को क्रश कर दिया, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन कम हो जाएगा, एग्रेसिव नेचर अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बैल तैयार है, जैसे काम कराओ वैसे वो कर लेगा। नोट डाउन करेंगे, ओके। नाउ कुछ और भी टर्म्स हैं जो कभी कभार पूछे हुए हैं, जो एनसीईआरटी में आपके नहीं दिए हुए हैं, तो सुनिएगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, अगर मैं बात करूं पार्टिकुलरली तो रैट की बात कर रहा हूं, स्क्वायरल की बात कर रहा हूं, इनके अंदर में टेस्टिस जो होता है लगभग ज्यादा समय कहां होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। लेकिन जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आता है, यानी उनका
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो ये भैया टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से इनग्विनल कैनाल से होते हुए कहां पहुंच जाएगी, स्क्रोटम में पहुंच जाती है, अन्यथा कहां रहेंगी, एब्डोमिनल कैविटी में। जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आया एक पार्टिकुलर सीजन में वो कहां आएंगी, स्क्रोटम में आती है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल रैट में और इसमें स्क्वायरल में। तो नोट डाउन करिएगा, नोट पॉइंट है ये आपका, इन सम ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है, द टेस्टिस डिसेंड इंटू स्क्रोटम only in which season, breeding season कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें स्क्रोटम पार्टिकुलरली एब्डोमिनल कैविटी में रहता है लेकिन ब्रीडिंग सीजन में आपके आ जाता है कहां पे, स्क्रोटम में। सो एग्जांपल्स ऑफ दिस, इनमें एग्जांपल होगा ऑर्डर रोडेंसिया जिसमें आपके रेड आ जाएंगे, ऑर्डर काइरोप्टेरा जिसके अंदर में आप पढ़ेंगे स्क्वायरल के बारे में, इसके बारे में स्क्वायरल के बारे में। सो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनमें पार्टिकुलरली अगर बात करें तो भैया जो ये टेस्टिस है वो कहां रहती है, एब्डोमिनल कैविटी में रहती है, लेकिन जैसे ही ब्रीडिंग सीजन आएगा, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सीजन आएगा, वो डिसेंड डाउन करके आ जाती है स्क्रोटम में। एग्जांपल ऑफ दैट इज ऑर्डर रोडेंसिया, रेड या फिर स्क्वायरल में। ओके, नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कभी कभार क्या होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, अगर देखेंगे हम लोग एलिफेंट की बात करेंगे, स्लोथ की बात करेंगे, तो आपने कभी टेस्टिस देखा है क्या एलिफेंट का, कभी बताइए, ध्यान करिए, ऑब्वियसली नहीं विजिबल होता है, कैसे होगा बाबा, क्योंकि जो उसका टेस्टिस होता है वो कहां होता है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, वहां पे जो स्क्रोटम होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम करता है। तो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जहां पे क्या होगा बेटा, आपका टेस्टिस कहां मौजूद होगा, परमानेंटली पाया जाएगा, कहां पे, एब्डोमिनल कैविटी में ही पाया जाएगा। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल एलिफेंट और स्लोथ, नोट डाउन करेंगे। टेस्टिस ऑफ सम एनिमल्स आर परमानेंटली प्लेस्ड, कहां रहेगा, प्लेस्ड इन एब्डोमिनल कैविटी, जो परमानेंटली कहां रहेगा, एब्डोमिनल कैविटी में रहेगा, एब्डोमिनल कैविटी। तो इसका मतलब उसका स्क्रोटम क्या है, डियर स्क्रोटम इज है क्या भैया, वेस्टिजियल ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें उनका टेस्टिस परमानेंटली कहां मौजूद होगा, तो वो मौजूद होगा कहां पे, एब्डोमिनल कैविटी में। एग्जांपल हो सकता है एलिफेंट और स्लोथ। ओके, सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो काइंडली
सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक बटन जरूर दबाएं, या कुछ भी हो अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ या कुछ और ज्यादा आप जानने की इच्छा रखते हो, कुछ और चीजें आपको चाहिए एनसीईआरटी के अलावा भी, मैं जो एक्स्ट्रा एज लेक्चर होंगे वो भी ले रहा हूँ, धीरे धीरे और ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। सो काइंडली सपोर्ट करें। थैंक यू ऑल।